फोर्थ ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा जो कि तीन तरह की, हमने सिर्फ जो है ना एग्जाम्पल्स शामिल किए हैं, वैसे तो बहुत वास्ट मेजोरिटी है इनवर्टिब्रेट की डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स में। दो हमने ऐसे शामिल किए हैं जो कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। उसमें एक हमने जो पढ़ लिया पहले जो कि सिंगल सेल के, यानी कि प्रोटिस्ट में, उसमें सिलिएट प्रोटोजोआ में ये मौजूद है, ठीक है। और दूसरा जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो भी ऐसी है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और वो हम किस में पढ़ रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं मुलस्क के लिहाज से, ठीक है। तो मुलस्क का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा है, इनवर्टिब्रेट है, यानी कि बहुत इसमें है इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों में है, ठीक है। और उसमें जो है जो प्रोटोजोआ था उसमें जाहिर है वो सिंगल सेल्ड है, उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो हो नहीं सकती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की सिर्फ एग्जाम्पल थी उसमें। और जब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों होती है, ठीक है। ये एक सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका, जो बायवेल्व मोलस्का डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया है, ठीक है। लेकिन ये किस स्टेज पर है, ये जब रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है, इसको हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। इसमें जो है तकरीबन एक जो न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, वो तकरीबन कंप्लीट हो रही है और दूसरा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो उसके ज़्यादातर जो बायवेल्व मोलस्क्स हैं वो किस तरह की फीडिंग करते हैं, सस्पेंशन फीडिंग। और सस्पेंशन फीडिंग से क्या मुराद है कि पानी उनके इर्द गिर्द होता है, उसमें से जो वाटर है वो उनका जो एक साइफन होता है, एक पोर होता है, ठीक है, जो एंटर हो सकता है उससे, ठीक है, उसके थ्रू पानी एंटर होता है। और जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो उस वाटर में से जो न्यूट्रंट्स हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, फिल्टर कर लेता है। इस तरीके के मेथड को जो हमने पहले पढ़ा था सस्पेंशन फीडिंग, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मुलास्क है बायवेल्व मुलास्क को सस्पेंशन फीडिंग करते हैं, ठीक है। अभी अब उनका डाइजेस्टिव ट्रैक देखते हैं कैसा है, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। शॉर्ट एसोफेगस है, ठीक है, जो लीड इन टू द स्टमक, ये शॉर्ट एसोफेगस है, ये आगे स्टमक में जा रही है, ये स्टमक है सारा। स्टमक के बाद मिड गट है, मिड गट के बाद हाइंड गट और रेक्टम भी है, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई गई आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है, लेकिन खास बात इसकी ये है कि इसको इनकम्प्लीट इसलिए हम कहते हैं कि जो रेक्टम है उसकी ओपनिंग आउटसाइड नहीं है, ठीक है। और जो एक्सहेल होने के लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो उसी जगह से जाता है जहाँ से वाटर एंटर हुआ था, ठीक है। इस वजह इसका इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट भी माउथ से बाहर जाती है, इसलिए इनकम्प्लीट इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हाइंड गट और रेक्टम तो है। अब जो स्टमक है, स्टमक के जो है मुख्तलिफ जो है डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टमक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्रिस्टलाइन स्टाइल, ठीक है, ये जो है इसको हम क्रिस्टलाइन स्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। फिर है गैस्ट्रिक शील्ड, जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है गैस्ट्रिक शील्ड, और डाइवर्टिकुलेटेड रीजन, ये नज़र आ रहा है डाइवर्टिकुलेटेड रीजन। डाइवर्टिकुलेटेड हम रीजन किसी भी ऐसे रीजन को कहते हैं जो कि जिसकी ओपनिंग तो है, ठीक है, लेकिन आगे ब्लाइंड सैक है, ठीक है, यानी कि वो जो है चीज़ें उसके अंदर रहती हैं, यानी कि ये एक तरह से क्या है, स्टमक की आउट ग्रोथ है और फूड इसके अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से वापस आ जाता है। ऐसा रीजन जो होता है वो क्या कहलाता है, डाइवर्टिकुलर रीजन, ब्लाइंड एंडिंग सैक होता है, ठीक है। और इसका सिर्फ काम क्या होता है कि ये जरा जो स्टमक है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये भी इसके अंदर भी जो मैंने यू बनाया हुआ है ना, बहुत सारे जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कॉन्वोलेशन होती है, फोल्डिंग होती है, उस तरह भी इसके अंदर भी फोल्डिंग है, तो इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो मिड गट और हाइंड गट है और रेक्टम, इनका काम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में उनका काम है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है सेल्स के अंदर नहीं होती, जो बाहर होती है उसमें, और एब्जॉर्प्शन फिर जो न्यूट्रंट्स जो डिजॉल्व हो जाते हैं डाइजेस्ट, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होती है उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन होती कैसे है, ठीक है। इसकी जो डाइजेशन है उसके जो है थ्री साइकिल्स हैं, यानी कि एक काम होता है, फिर दूसरा होता है, और फिर तीसरा होता है, ठीक है। हमने उसको नाम क्या दिया, फीडिंग, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब फीडिंग जो है वो तो आप बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, जो सस्पेंशन फीडिंग का जो प्रोसेस होता है कि वाटर उसके अंदर आता है और उसमें से वो मटेरियल को निकाल लेते हैं। ज़्यादातर जो है हम यहाँ पे किसके ऊपर जोर देंगे, जो पढ़ेंगे हम
इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। अब ये रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या स्टेज आ जाती है, जो नेक्स्ट स्टेज होती है, यानी कि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होना होता है, जिसमें फीडिंग भी आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी, ठीक है। तो इसके बाद जो है एनिमल बायोवेल्स में अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जाहिर है उसके अंदर फूड आना है, ठीक है। फूड आएगा, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए पहले ही बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है। अब वो प्रिपरेशन क्या होती है कि ये जो क्रिस्टलाइन साइल है ये डिजॉल्व होना शुरू जाती है, डिजॉल्व होना शुरू जाती है, यानी कि ये छोटी होती जाती है, ठीक है। अब ये डिजॉल्व होती है, ठीक है, और क्या चीजें बन जाती है, फ्रेगमेंटेशन स्फेरियोज इसमें बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि यूं नजर आ रहे हैं। अभी फूड इंजेस्ट नहीं हुआ लेकिन ये अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या बन गए, फ्रेगमेंटेशन स्फेरियोज। और जो है वो स्टाइल जो है वो होना शुरू हो जाती है अपने आप को डिजॉल्व। तो डिजॉल्व होगी तभी उसकी क्या ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, इसी से स्टाइल से बन जाते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब अभी तक जो है वो नहीं स्टार्ट हुई है, जो है फीडिंग नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है एनिमल को कैसे ये करना है, ठीक है। ये तो तीन इसके साइकिल्स है ना, फीडिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये डिपेंड करती है कि जो बायोवेल्स है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, यानी कि टाइड्स आपको पता है वाटर में रहते हैं, टाइड्स क्या होती है, जो लहरें होती हैं वो कभी उसको एनिमल को इमर्स कर देती है, नीचे कर देती हैं, और कुछ कभी इमर्ज कर देती है, ठीक है। जब मोलस्क की को लहरें इमर्स करती हैं, यानी कि वो नीचे जाता है, तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो शुरू होता है वो किसकी वजह से होता है, टाइडल इमर्शन की वजह से, यानी कि गैस्ट्रिक चीट की डिजोल्वेशन और फ्रेगमेंटेशन स्फेरियोज पैदा होना बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना फूड एंटर होता है उससे एसोफेगस से, यहाँ से, और स्टमक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और जब स्टमक के अंदर आ जाता है तो ये जो फ्रेगमेंटेशन स्फेरियोज बने हुए और जो ये गैस्ट्रिक शील्ड है ये एंजाइम्स बनाती है, ठीक है, एंजाइम्स बनाते हैं। और ये जाहिर है कि अब दो चीज़ें आ गई, स्फेरियोज भी हैं, फूड पार्टिकल्स भी हैं, आपस में उनकी जो है वो होती है मैकेनिकल ग्राइंडिंग हो जाती है, यानी कि दो चीज़ें टकराती हैं आपस में, ठीक है, और साथ एंजाइम्स भी होती हैं। तो क्या होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल डाइजेशन होती है, इससे जो है ना ब्रेक डाउन हो जाते हैं फूड पार्टिकल्स, ठीक है। अब फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए तो इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है सेल्स के बाहर, और साथ साथ ही आप अगर डायग्रामेटिकली देखें तो जो है ना क्रिस्टलाइन जो स्टाइल है उसका साइज कम होता जा रहा है, यानी कि वो डिजॉल्व होती जा रही है, जितना वो डिजॉल्व होती जा रही है उतना फ्रेगमेंटेशन स्फेरियोज बनते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जब बहुत ज़्यादा ये जो है ना पार्टिकल्स जो है लार्ज फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। अब जब स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, स्टार्ट होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होती है, ये डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला में, ठीक है। जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ चले जाते हैं, और जो यहाँ के इसके जो लाइनिंग है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो इनको टेकअप कर लेते हैं, और जब उनको टेकअप कर लेते हैं तो वो उनकी मजीद जो है उनकी डाइजेशन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस होना, और जो क्रैब्स साइकिल वगैरह वो सब क्या होती है, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, ठीक है। तो जो फूड पार्टिकल जो है डाइवर्टिकुलर में चले जाते हैं, उधर उनकी डाइजेशन होती है इंट्रासेलुलर, और इस टाइम पे जो होता है जब वो उधर चले जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं, स्टमक फील है, तब जो फीडिंग है ना वो स्टॉप हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए, टाइम के लिए वो फीडिंग स्टॉप कराती है, क्या चीज, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव, ठीक है, क्योंकि स्टमक फील हुआ हुआ है। जब स्टमक फील होता है और वो थोड़े 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 करके उसमें भेज रहा है तो इस चीज से क्या होता है कि उसकी जो है इस वक्त फीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और जब उसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन के बाद वो जो है न्यूट्रिएंट्स जो है अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या स्टेज आ जाती है,
जो है रेस्टिंग स्टेज आ जाती है। रेस्टिंग स्टेज क्या होती है, जिस वक्त ये सारे जो है फ्रेगमेंटेशन फेरियूज जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की तो जरूरत नहीं है, अब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है और स्टाइल जो है वो रीफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये जो सब कुछ जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, और ऐसा ऐसा थोड़ी बहुत इसके अंदर डाइजेशन हो रही होती है। जितनी देर में इसकी डाइजेशन ऐसा आता है, यहाँ से उधर जाता जाता है और डाइजेशन कम्प्लीट होती है, तो जैसे ही डाइजेशन कम्प्लीट होती है एनिमल दोबारा जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर हो जाता है, और वो रेस्टिंग स्टेज है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की।